ICDS योजना के अंतर्गत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर दिन रात मेहनत कर रही हैं। मुरादाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत मलकद्दा की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में घी और दूध भी नौनिहालों को वितरित किया जा रहा है। सायदा परवीन कहती हैं कि प्रत्येक बच्चे को देसी घी और दूध के पैकेट उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री शाहिदा परवीन कहती हैं कि सरकार नौनिहालों को जहां पोषण के रूप में ये सामान उपलब्ध करा रही है, तो वहीं उनकी अच्छी तालीम पर भी काम कर रही है। मेरा काम सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना है और अपने फर्ज को मैं अदा कर रही हूं। पूरी ईमानदारी के साथ प्रत्येक लाभार्थी को सरकार की योजना का लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के हमले से जब पूरा देश कराह रहा था, तब यही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी महिलाएं जनमानस की सेवा कर रही थी। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शाहिदा परवीन से जब बात की गई, तब उन्होंने बताया कि हमारा फर्ज है कि हम सरकार की योजनाओं का जन जन तक प्रसार करने के साथ साथ जनता को लाभ दिलाने का काम करें और मैं वही फर्ज अदा कर रही हूं। अपने क्षेत्र में जो मेरा काम है बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित, मैं उसमें कार्य कर रही हूं। जैसे जो गर्भवती महिला है, गोद भराई की रस्म होती है, आपके द्वारा क्या क्या वितरित किया गया है? उसमें फल है, सब्जी आती है और चना, गुड़ चना वगैरह भी रख सकते हैं हम, उसमें गर्भवतियों को दे सकते हैं, मौसमी फल दे सकते हैं। और बच्चों को अन्नप्राशन कराया जाता है तो उसमें हम खीर वगैरह ले जाते हैं, बना के हलवा बना लेते हैं या खीर बच्चों को, ये बच्चों को अन्नप्राशन के लिए दिया जाता है। और गोद भराई में वही मौसमी फल और सब्जी और गुड़ चना वगैरह। इन दिनों क्या कार्य चल रहा है? इन दिनों तो फील्ड का काम चल रहा है, जिसमें कि बच्चों को कीड़ों की गोली खिलाई जा रही है और किशोरियों को आयरन की गोली दी जा रही है। जो सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी कीड़े की गोली दी जा रही है और पिंक की गोली दी जा रही है, उनको छोटी गोली आती है वो गोली दी जा रही है। जो छोटे बच्चे हैं नौनिहाल हैं, उनको लेकर के सरकार एक शिक्षा को लेकर के आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी, तो उसका क्या असर पड़ा आप लोगों पर? असर ये पड़ा कि मतलब पहले जो है इतना वो नहीं था इसमें, क्या बोलते हैं, जो बच्चे छोटे आते थे स्कूल पढ़ने के लिए, अब उनको किस तरह से आप पढ़ाने? पहले इतनी सुविधा नहीं थी उनके लिए, लेकिन अब सरकार ने सुविधा भी काफ़ी दे दी है और हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि कैसे मतलब किस तरह से बच्चों को 3 से 6 साल तक के बच्चों को केंद्र पर रोकना है, उनको किस तरह से मतलब समझाना है, भावगीत कराना है और मतलब मुखौटों द्वारा जानवरों की पहचान करानी है, दालों के नाम बताने हैं, तो ये सब चीज़ सिखाई जाती है सेंटर। जो गांव की जनता है उससे क्या अपील करना चाहोगी बच्चों को भेजने के लिए? बच्चों को भेजने के लिए मैं यही अपील करूंगी कि गांव वाले, गांव की जनता मतलब हम लोगों का सहयोग करें और अपने बच्चों को केंद्र पर भेजें, ताकि उनके बच्चे मतलब कुछ नया सीखें और आगे जाकर उनको स्कूल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए।